औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूँ आपकी इस्लामियात टीचर मिस सना। ओके बच्चे, पिछले वीक में हमने जो टॉपिक किया है वो क्या है, अव्वल कलमा हमने पढ़ा था। पहले हमने इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि पहला कलमा जो है इसका मतलब क्या है और इसको हम तजवीद के साथ कैसे पढ़ेंगे और इसकी अहमियत क्या है। पहला कलमा जो है वो क्या है, तोयब। पहला कलमा तोयब, पहला कलमा तोयब। तोयब माने पाक। बताया था मैंने ना कि तोयब का मतलब क्या है, तोयब का मतलब है पाक। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तजवीद के साथ हमने पढ़ना है। तो सुने, ला इलाहा, ला इलाहा, हा को बारी करना है। इल्लल्लाहु, इल्लल्लाहु, मुहम्मदुर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोबारा सुन ले, ला इलाहा, इल्लल्लाहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो, रे को हमने दो मर्तबा पढ़ा है। क्यों हमने दो मर्तबा पढ़ा है, क्योंकि रे के ऊपर क्या आया है, तजदीद आया है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जिस हरफ पर तजदीद आ जाए इसको हम दो मर्तबा पढ़ेंगे। वैसे तो ये हमें एक रा नजर आ रही है, लेकिन इसको हम टू टाइम रिपीट करेंगे, क्योंकि तजदीद वाले हरूफ को हम दो मर्तबा पढ़ेंगे। अब दोबारा सुन लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो, इसको हमने तजवीद के साथ पढ़ लिया है। बहुत बच्चे जो है वो ऐसे पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये क्या है, गलत आ रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये क्या है, पहला कलमा है। क्या है ये, पहला कलमा। और पहला कलमा जो है आपकी इस्लामियात की बुक में पेज नंबर 2 पे है। ये हम ऑलरेडी जो है रिपीट कर चुके हैं। अब जो है अपनी नई टॉपिक की तरफ आते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, काना काने से पहली की दुआ। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, काना काने से पहले की दुआ। देखो, जब आप लोग खाना खाते हैं ना तो क्या करते हैं, पहले आप लोगों ने हैंड वॉश करना है। क्या करना है, हैंड वॉश करना है, काना खाने से पहले की दुआ पढ़ना है, फिर आप लोगों ने खाना जो है स्टार्ट करना है। जब आपकी मम्मा आपको बुलाए ना कि आज बच्चे खाना खाओ, तो आप क्या करेंगे, आप जो है पहले हैंड वॉश करेंगे और फिर जो है हैंड वॉश के बाद आप लोगों ने जैसे ही खाना स्टार्ट करना है तो पहले आप लोगों ने दुआ पढ़नी है। तो हम आज क्या सीखेंगे, खाना खाने से पहले की दुआ सीखेंगे। क्या सीखेंगे, खाना खाने से पहले की दुआ। खाना खाने से पहले की दुआ हम किस तरह पढ़ेंगे, इसको हमने तजवीद के साथ पढ़ना है, इसका मतलब क्या है और इसकी अहमियत क्या है। आज जो हमारा टॉपिक है हम इसकी माने, इसकी माने पढ़ेंगे, इसको तजवीद के साथ पढ़ेंगे और पहले इस फिर जो है इसका तर्जमा करेंगे और फिर इसकी अहमियत जो है वो रिपीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं तजवीद के साथ पढ़ें। जब आप लोग खाना खाएंगे ना तो पहले आप लोगों ने क्या पढ़ना है, मुझे पहले मेरी बात सुने, आप लोगों ने मेरी पीछे रिपीट करना है। बिस्मिल्लाह, 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 वाला, वाला। दोबारा रिपीट करें, वाला बरकतिल्ला,
ये क्या है? काना काने से पहले की दुआ। क्या है ये? काना काने से पहले की दुआ, काना काने से पहले की दुआ। अब दोबारा रिपीट करें, बिस्मिल्लाहे बिस्मिल्लाहे। ये देखो बे के नीचे जो है क्या है? जेर है। क्या है ये? जेर है। तो बिस्मिल्लाहे हे, ये हे जो है इसको बारी करना है, हे को बारी करके पढ़ना है। बिस्मिल्लाहे वाला 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 बरकतिल्ला बरकतिल्ला। बिस्मिल्लाहे बिस्मिल्लाहे वाला बरकतिल्ला। ओके, ये क्या है? खाना खाने से पहले की दुआ। जब आप लोग खाना खाते हो तो पहले आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जैसे ही मैं खाना शुरू करूं तो इससे पहले मैंने ये दुआ जरूर पढ़नी है। स्कूल में अगर आप लोग लंच खा रहे हो ना, तो पहले आप लोग ये रिपीट कर देना। ये तो आप लोगों ने प्ले ग्रुप में भी लर्न कर चुके हैं। अभी दोबारा स्टार्ट करते हैं, आप लोगों ने मेरे पीछे पढ़ना है। बिस्मिल्लाहे बिस्मिल्लाहे वाला वाला बरकतिल्ला। अब इसका तर्जुमा सुन लें, ट्रांसलेशन इसकी क्या है। बिस्मिल्लाहे शुरू करते हैं, लाहे अल्लाह के नाम से, वाला बरकतिल्ला अल्लाह की बरकत से शुरू करते हैं। क्या? काना। क्या शुरू करते हैं? काना। बिस्मिल्लाहे शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, वाला बरकतिल्ला और अल्लाह की बरकत से। अभी आप सुन लें कि इसका मतलब क्या है कि मैं शुरू करती हूँ या शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बरकत से। मैंने क्या शुरू किया है? खाना। आप लोग खाने के लिए बैठे हैं तो आप लोगों ने बिस्मिल्लाहे वाला बरकतिल्लाहे ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये है कि मैंने खाना जो है वो अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बरकत से शुरू किया। देखो इसकी अहमियत ये भी है, अगर आप लोगों का खाना जो है वो कम है और आप जो है कहते हो कि ये तो बहुत कम खाना है, इससे तो मैं पेट नहीं भरवा सकता, तो जैसे ही आप लोग बिस्मिल्लाहे वाला बरकतिल्लाहे पढ़ेंगे ना, तो आपका पेट भी भर जाएगा और खाना जो है वो भी खत्म नहीं होगी। सो ये क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि आप लोगों ने अल्लाह के नाम से शुरू किया है, और जो बच्चे अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं तो फिर क्या होता है, अल्लाह ताला जो है इसका फ्रेंड बन जाता है और शैतान जो है इससे दूर चला जाता है और फिर जो है इसमें बरकत होती है। ओके बच्चे, अभी आप लोगों ने जो है खाना शुरू कर दिया है, लेकिन दरमियान में जो है आप लोग भूल गए हैं कलमा जो है वो भी भूल गए हो, और खाना खाने से पहले की दुआ जो है वो भी आप लोग भूल गए हो। मतलब आप लोगों को बहुत भूख लगती है ना, तो बस जल्दी जल्दी जो है खाना शुरू करते हैं, जो खाना खाने से पहले की दुआ है वो आप लोग भूल जाते हैं। सो इसकी भी है हल ये है कि जैसे आप लोगों को याद आ जाए ना, ओहो मैंने तो कलमा नहीं पढ़ा है, जो खाना खाने की दुआ है वो तो मैंने शुरू नहीं किया है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग फिर दरमियान में बोले बिस्मिल्लाहे व अव्वलुहु व आखिरुहु, बिस्मिल्लाहे अव्वलुहु व आखिरुहु, बिस्मिल्लाहे अव्वलुहु व आखिरुहु। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने खाना शुरू कर दिया है तो ये आप लोगों की स्टार्ट में भी हो गई और आप लोगों की बाद वाली दुआ भी इसमें आ गई है। सो ये क्या है, आप लोग खाना भूल जाए तो आप लोग जो है ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहे
بسم الله اوله واخره जब गाना भूल जाए तो कौन सी दुआ पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह अव्वलुहु व आखिरुहु। और ये खे की आवाज जो है ना, ये सख्त पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ जो है खे के ऊपर क्या है, खे के ऊपर यहाँ पे नुक्ता है, और नुक्ते वाले हे को हम सख्त पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अव्वलुहु व आखिरुहु, खे की आवाज को सख्त पढ़ेंगे, क्योंकि जो जिस खे पे नुक्ता आ जाए ना, वो हमने सख्त पढ़ना है। और यहाँ पे हम तजवीद के साथ पढ़ेंगे, तो तजवीद का मतलब तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि तजवीद का मतलब है कि अल्फाज को सही तलफ्फुज के साथ अदा करें। कि जुबान के कौन से हिस्से से अदा होती है? मुंह के हिस्से से अदा होती है। तो बे को नरम पढ़ेंगे, सीन को भी नरम पढ़ेंगे, और मीम के नीचे जेर है तो इसको लाम के साथ जुड़वा के पढ़ना है। अब अच्छा, फिर है हे, तो हे की आवाज को बारी करना है। अलिफ को, अलिफ के ऊपर क्या है? जबर है। वो के ऊपर क्या है? जबर है। और लाम क्या है? इसके ऊपर भी जबर है। सो ये क्या है? बिस्मिल्लाह अव्वलुहु व आखिरुहु। अच्छा, अब मुझे रिपीट करवा दे, खाना खाने से पहले की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तजवीद के साथ पढ़ो, ओके? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। अब दोबारा स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वाला 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 बरकतिल्ला बरकतिल्ला। तर्जुमा मैं कर चुकी हूँ कि मैंने अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बरकत से गाना शुरू किया। क्या शुरू किया है आप लोगों ने? गाना अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बरकत से। अच्छा, ये तो गाना गाने से पहले की दुआ थी। अब आप जो है, आप लोगों ने गाना जो है शुरू किया है, लेकिन आप लोग जो है भूल गए हैं खाने खाने से पहले की दुआ, आप लोग भूल गए हैं। तो फिर आप क्या पढ़ेंगे? जैसे कि आप लोगों को जैसे ही याद आएंगे ना, तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह अव्वलुहु व आखिरुहु, बिस्मिल्लाह अव्वलुहु व आखिरुहु। नर्सरी क्लास, आप लोग को समझ आ रही है? समझ आ रही है आप लोगों को? ये कौन सी दुआ है? जब आप लोग खाना खाने की दुआ भूल जाए और आप लोग ने गाना शुरू किया है, तो फिर दरमियान में ये वाली दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अव्वलुहु व आखिरुहु, बिस्मिल्लाह अव्वलुहु व आखिरुहु। ये क्या है? दरमियान वाली दुआ है। आप लोगों ने गाना शुरू किया है और आप लोग भूल गए हैं खाना खाने से पहले की दुआ, तो ये दुआ फिर आप लोग पढ़ लें। फिर आप लोग ने ये दरमियान वाली दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाह अव्वलुहु व आखिरुहु। समझ आ रही है? तो आज हमारा टॉपिक क्या था? खाना खाने से पहले की दुआ, खाना खाने से पहले की दुआ, खाना खाने से पहले की दुआ। दोबारा रिपीट करती हूँ, आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमने कौन सी दुआ पढ़ी है? खाना खाने से पहले की दुआ, खाने से पहले की दुआ हमने आज लर्न की है। कौन सी है? बिस्मिल्लाह वाला बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला।
तर्जुमा क्या है इसका कि मैंने अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बरकत से शुरू किया। क्या शुरू किया है? खाना। और इसकी बरकत से आपका खाना जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और आप जो है खाना खाएंगे भी और इसमें बरकत होंगे क्योंकि आप लोगों ने अल्लाह के नाम से शुरू किया है। फिर अगर आप लोग दरमियान में भूल जाए कि ओ मैंने तो दुआ नहीं पढ़ी और मैंने खाना शुरू किया है, तो दरमियान में फिर आप लोग ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही अव्वलुहु व आखिरुहु। ये आप लोगों की कौन सी दुआ हो गई? ये आप लोगों की वो दुआ हो गई अगर आप लोग खाना खाने से पहले की दुआ भूल जाए और आप लोगों को याद आ जाए कि मैंने तो दुआ नहीं पढ़ी, तो फिर दरमियान में ये वाली दुआ आप लोग पढ़ लें। ओके, सो आप लोगों ने लर्न कर दिया है खाना खाने से पहले की दुआ और दरमियान वाली दुआ। तो खाना खाने से पहले की दुआ जो है इस ये आप लोगों ने जरूर जो है याद करना है। प्ले ग्रुप में भी हम लोग ने ये जो है सीख लिया है और अभी नर्सरी क्लास में भी आप लोगों की इस्लामियात बुक में पेज नंबर 2 पे है, खाना खाने से पहले की दुआ आप लोगों ने सीख लिया है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। इंशाल्लाह कल मैं इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगी कि खाना खाने से पहले कौन सी दुआ है और अगर आप खाना भूल जाए तो फिर कौन सी दुआ पढ़ेंगे। ओके, अभी जो है पोइम सुन ले, ठीक है बच्चे? कौन सी? ओके बच्चे, आप लोगों ने सीख लिया है खाना खाने से पहले की दुआ और दरमियान वाली दुआ। अभी जो है अपना क्लास मैं खत्म करती हूँ, आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।